जिन्हें से हमारे साथ मौजूद है जफरी खान। कोविड की वजह से कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, थिएटर्स के बारे से बात करेंगे। सर ये बताएं कि जब से कोविड आया है थिएटर पर कितना असर पड़ा है? थिएटर पर क्या है, पूरी दुनिया पे असर पड़ा, सारा पूरी वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। दुनिया की काफी कंट्री हैं जो कोविड से इजी हो गई है। अभी हम आ रहे हैं पाकिस्तान में, थोड़ा सा है तो अल्लाह करे ये भी जल्दी खत्म हो जाए। और मुश्किल सबके साथ ही है, मतलब वो गवर्नमेंट भी अगर वो कोई एक्शन लेती है तो वो बेहतरी के लिए लेती है। मुझे लगता है कि कभी गवर्नमेंट की मान लेनी चाहिए, कभी गवर्नमेंट को मान लेनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट थिएटर को बंद कर दिया है, क्या आपको लगता नहीं इससे बहुत सारे जो नीचे तबके के लोग हैं उनके रोजगार पर असर पड़ता है? नहीं, हमारे हम भी बीच में ही हैं, मेरे सबको असर पड़ता है। आप एक ये एक दिहाड़ी है, जितने भी लोग हैं यहाँ से गेट कीपर से लेके जो पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर तक, वो सबका परसेंटेज है। किसी का 1000 रुपया रोज का है, किसी का 1500 रोज का है, किसी का 500 रोज का है। तो इस तरीके से वो बेचारे लेके जाते हैं तो वो घर का सर्कल चल रहा है। मतलब ये है कि अदारा कोई भी हो, चाहे थिएटर हो, चाहे कोई भी अदारा हो, वो उसको अगर बंद करते हो तो डेफिनेटली घरों पे फर्क पड़ता है। ऐसे ही जो थिएटर के आर्टिस्ट, असिस्टेंट, चाय वाले, गेट कीपर, सफाई वाले, मेकअप मैन, सबको सब। तो आप ये भी देख लें कि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, थिएटर की तरफ लोगों का रुझान कुछ कम नहीं है? थिएटर कभी, थिएटर का रुझान कभी कम नहीं होता। थिएटर पे सख्ती हो जाएंगी, कुछ भी हो जाएगा, जो थिएटर देखने वाले हैं ना वो कभी कम नहीं होती और ना ही कम है। सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को लगता है। अदरवाइज थिएटर कल भी लोगों को पसंद था, आज भी लोगों को पसंद है। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जरा 2020 हो गया, दो चार गाने हो गए, कॉमेडी हो गई, दो ढाई घंटे का एक शो बनता है, उस हवाले से आज के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन जा रही है। इनसे भी जानेंगे कोविड की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कोविड की वजह से ओवरऑल तो बहुत असर पड़ा है, तो थिएटर पे कितना असर रहा है? देखिए कोविड की वजह से पूरी दुनिया को फर्क पड़ा है, और ये एक कुदरती आफत है जिससे हम सबको जो है एक लेसन मिलता है, क्योंकि ये जो कुदरती आफत आई है पूरी इंसानियत की आई है। तो इसकी वजह से शोबिज नहीं, दुनिया जहान के जितने भी प्रोफेशन है वो मुतासर हो गए, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हालात और वाकियात कुछ ऐसे बता रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है। हर रात के बाद सुबह है, सुबह के बाद रात है, तो इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट। क्या आपको लगता है कोविड की वजह से भी और सोशल मीडिया का जो दौर है वो इसकी वजह से जो रुझान है जो कम है लोगों का थिएटर के जाने में? जिस सोशल मीडिया का हर एक को फर्क पड़ा है, उसके माइनस पॉइंट भी हैं और प्लस पॉइंट भी हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप हद से ज्यादा यूज करते हो तो उसका इफेक्ट जो है वो गलत ही आता है, तो इसलिए असर तो पड़ा है। ये बताइएगा लैला कि हरासमेंट की जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, पेशेंट नहीं रहा तो वहाँ पे जाते सामने? जी आप पब्लिक प्लेस पे खवातीन को ही चाहिए कि वो ऐसी जगहों पे मत जाएं। हमें अपना ख्याल खुद से करना है। अगर एक लड़की एक इतने बड़े हजूम में चली जाती है तो इसमें गलती जो है वो हमारी अपनी है। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शहजाद साहब, ये चेयरमैन हैं शहरोज थिएटर के। इनसे जानते हैं कि जब से कोविड आया बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, आवाम भी इससे जो उनसे बड़ी मुश्किलात से गुजरी है, तो थिएटर पर कितना असर पड़ा है? इस क्या लेंगे शहजाद साहब, ये बताएं कि कोविड तो आया है तो इस हवाले से थिएटर पर कितना असर पड़ा है? लेकिन जब से कोविड आया है उसमें तो थिएटर्स और सिनेमा दोनों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है।
और इसमें देखिए थिएटर का तो सबसे बड़ा ये होता है कि मूवीज का तो ये है कि अगर अच्छे हालात है तो वो रिलीज हो सकती है, उसका वेट कर सकते हैं। थिएटर का जो है लाइफ काम है और उसमें जो हमारी आर्टिस्टों से कमिटमेंट्स होती हैं, उनको एडवांस दिए होते हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बाद मतलब 1 वीक या 2 वीक के बाद फिर हमें वो एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है कि जिसको बंद कर दें, अब इसको एसओपी के साथ तो अभी भी हम चला रहे हैं, एसओपी के साथ ही चल रहे हैं और एक अच्छा मियारी काम कर रहे हैं अच्छी टीम के साथ। लेकिन इसमें हमें बहुत सारी परेशानी, आर्टिस्ट भी परेशान है, हम भी परेशान हैं कि कवर की वजह से देखें रेंट बिजली वगैरह स्टाफ ये तो हमें देना पड़ता है, चाहे कवर है या नहीं है, कोरोना है तो उसकी वजह से हमें काफी लॉस हुआ है ये जब से ये चल रहा है। और अभी भी हम बहुत ज्यादा टेंशन में है कि अभी ये उस तरह प्रॉपरली हम काम नहीं कर सकते कि एसओपी के साथ। देखें एक अच्छी टीम के साथ जब काम किया जाता है तो उसकी अमाउंट हैवी होती है, तो उसमें हम नहीं कर पा रहे कि उसको मैनेज, आर्टिस्ट को भी मैनेज करना है और उसको थिएटर को भी करना है, हमने अपना स्टाफ भी देखना है, थिएटर देखना है, बिजली के बिल, ये चीजें तो हैजेड वैसे ही है ना, इसमें तो कोई हुकूमत में रिलीफ नहीं है बिजली में स्टाफ में, वो हम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हैं कोरोना में, तो इसमें तो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि खास करके थिएटर्स के साथ जो है ना भी ऐसा वो मैनेज करना चाहिए कि आर्टिस्ट जो है ये गरीब लोग हैं, इनका कोई काम नहीं है थिएटर के अलावा, ना इसके अलावा कोई इनका बिजनेस होता है, उनका एक हर आर्टिस्ट के साथ एक खानदान रिलेटेड है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लिए भी हैं लेकिन उनके लिए ज्यादा है क्योंकि छोटे आर्टिस्ट हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, घर उनके रेंट के हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो फिर मांगना शुरू कर देते हैं लोगों से, ठीक है एक परफॉर्मेंस के बाद अपना खर्चा करते हैं। हाँ जी, वो ये होता है कि चले वीक बाई वीक उनका होता है कि यहाँ कर लिया वहाँ गुजरा वाले कर लिया फैसला, तो अब इसमें है कि कभी सारा कुछ बंद, कभी ये 2 शहर चल रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं है, देखिए कोरोना का होटलिंग देख लें, शादी हॉल देख लें, बाजारों में देख लें, आप लोकल ट्रांसपोर्ट में देख लें, तो वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई एसओपीज नहीं है। पर अभी हालिया में आपके सामने कैंट के इलेक्शन हुए हैं, बड़ी बड़ी रैलीज होती रही है, जुलूस होते रहे हैं, तो फिर ये हमें थोड़ी सी तकलीफ भी पहुंचती है कि यार ये सिर्फ थिएटर ही में क्यों है कोरोना या सिनेमाज में क्यों है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आप अगर बाहर देखें तो वही माहौल पैदा हुआ है, किसी किस्म का इसकी अमल दरामद भी नहीं हो रहा है, तो आपका बिल्कुल सवाल ठीक है थिएटर्स पे भी होता है। तो इसी तरह मैं आ रहा हूँ कि आपने कभी हुकूमत या किसी बड़े उदाहरण से बात करने कुछ दी कि हमें प्रॉपर एक टाइम दे दी जाए, खोल दिया जाए इसको प्रॉपर। देखिए जी हुकूमत से तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान से हमारे इसमें जो चेयरमैन है हमारे इसके एसोसिएशन के, वो कैसर सनाउल्ला साहब हैं लाहौर में होते हैं, वो सारी इंतजामिया से सब लोगों से जाते हैं, मिलते भी रहते हैं, लेकिन इंतजामिया का यही होता है कि अच्छा जी ये 4 दिन ठहर जाएं, ये इस वीक ठहर जाएं, अगले वीक करते हैं। फिर जब वो ओपन हो जाता है काम, उसमें वो तमाम टीम हायर हो जाती है, तो उसमें फ्राइडे को अगर ड्रामा चल रहा है तो फिर सैटरडे या संडे को आ कहते हैं जी बंद कर दें, एसी साहब आ गए हैं, कभी डीसी साहब आ गए हैं, कभी कमिश्नर साहब, तो वो ये है कि अगर या तो एक थ्रू आउट प्रॉपर जो है ना एसओपी के साथ इनको इजाजत दें पूरे पाकिस्तान में, तो एसओपी के साथ अभी भी देखें अभी हमारा थिएटर चल रहा है एसओपी के साथ पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो कम से कम इतना कर दें कि अगर चले इसको आप बंद ना करें उसमें एसओपी के साथ पूरे पाकिस्तान में जहां जब भी थिएटर चल रहे हैं जितने हैं ये लोग सबका रिस्क चलता रहे, सबके चूड़े जलते रहे, नहीं तो इसमें जो है ना खास करके वो नीचे जो आर्टिस्ट है छोटा आर्टिस्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा लॉस है। मैं हुकूमत से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि खास करके थिएटर्स की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे दें और इन लोगों का थोड़ा सा ख्याल कर लें कि यहाँ बहुत हालात खराब है। जी नाजिन आपने सुना कि एक प्रॉपर एसओपी के तहत इनको थिएटर को भी इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि आपने जैसे देखा कि बड़े आर्टिस्ट हैं उनको तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जो नीचे तबके हैं उनको बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोजी रोटी उनकी इन्हीं से बनी हुई है। तो जो जल के इजाज साहब ने हुकूमत से रिक्वेस्ट किया, मुतालबा किया कि खुदारा थिएटर्स को बंद ना दिया जाए मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का नुकसान होता है और उनकी फैमिली में बड़ा असर होता है।